हाँ जी, तो आपके सामने हमने क्वेश्चन का जो गिवन पार्ट है वो तो नहीं लिखा हुआ, बट फॉर्मेट बनाया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, हमें कुछ आइटम्स दी हुई हैं और हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, यानी उसके मेजर हेड बनाने हैं और सब हेड बताने कि क्या होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है, अंडर विच मेन एंड सब मेन हेड एंड सब हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। तो ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया, यानी मैंने तीन कॉलम बना लिए। एक्चुअली फॉर्मेट तो क्या है, ये बस तीन कॉलम बना रखे हैं। यहाँ हमने आइटम जो क्वेश्चन में गिवन है, ये पार्ट क्या है क्वेश्चन का, ये गिवन पार्ट है, और ये दोनों चीज़ हमें बतानी है कि मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है क्वेश्चन का। आइए जी, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये, ठीक है। तो आप ये सोचिए, ये किसका पार्ट है? ये अगर आपको याद हो, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। अगर एंड में जाके शेयर होल्डर्स शेयर लेते हैं तो हम इस रिजर्व को यूज कर लेंगे, अदरवाइज ये रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो रिजर्व एंड सरप्लस खुद शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। आइए, तो मेजर हेड क्या हो गया जी? मेजर हेड तो हो गया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड हो गया हमारे पास जी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरे पर चलें, दूसरा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। एक्सेस एप्लीकेशन पैसा आ रखा है आपके पास और रिफंड होना है, तो सीधी सी बात है, करंट लायबिलिटी है मेजर हेड इसका, और करंट लायबिलिटी में सब हेड कौन सा आ जाएगा इसका? अदर करंट लायबिलिटीज। तो आइए इसे भी लिख लें हम लोग। इसमें जो मेजर हेड हो गया वो तो हो गया करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और जो सब हेड हो गया वो हो गया जी हमारे पास क्या? अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये मेन हेड आया और ये सब हेड हो गया। इसके बाद जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल भी पता आपको करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी का कौन सा पार्ट है? ये अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, यानी सेम एज अबव। तो मैं ऊपर वाले को ही लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा आपको ऊपर वाले लिखना है। सेकंड में जो क्लासिफिकेशन है वही थर्ड का भी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आ जाइए फोर्थ में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आपको पता है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपने रिजर्व बना रखा है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, और रिजर्व एंड सरप्लस खुद शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। आइए तो इसे भी लिख दें। ये लीजिए, ये जी पार्ट, इसका जो सब हेड है वो तो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और इसका सब हेड क्या है जी? इसका सब हेड है हमारे पास, सॉरी, सब हेड तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का ये पार्ट है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर फाइव पर आते हैं हमारे पास, यहां है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी में भी हमारे पास क्या है जी? ये है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है उसमें आएगा जी। आइए, तो इसका जो मेन हेड है वो आ गया हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी का, और नॉन करंट लायबिलिटी जो अदर अदर्स वाला पार्ट है उसमें जाएगा ये, ठीक है। ये लीजिए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाले पार्ट में आप इसे रखें, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिक्स पॉइंट पर, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। अगर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की बात करें तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन था हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का, क्योंकि दोनों करंट लायबिलिटी और नॉन करंट में दोनों में प्रोविजन होते हैं। करंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, नॉन करंट में आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। आइए जी, तो देखिए यहां पर इसका जो मेजर हेड जो होगा वो होगा नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये लायबिलिटीज है, और इसका जो सब हेड होगा, सब हेड क्या हो जाएगा जी?
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग है इमीडिएट लायबिलिटी, यानी मेजर हेड क्या हो गया, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में जो सब हेड है वो क्या हो गया जी, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। चलिए आइए इसे भी लिख लें हम लोग, ये आ गया जी हमारे पास करंट लायबिलिटी मेजर हेड, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और इसका जो ये लायबिलिटीज की स्पेलिंग, ठीक है ना, लायबिलिटीज, और जो सब हेड हो गया वो हो गया हमारे पास क्या जी, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज आ गया, ठीक है। चलिए जी तो आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं ये सारे पॉइंट, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, आप दिख रहे हैं ना, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। वैसे इनके सॉल्यूशंस आपको बुक में भी दिए होते हैं, बट हमने बस इसलिए डिस्कस कर लिया ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। तो इसे जल्दी से लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।